डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, यानी घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005। आज के समय में घरेलू हिंसा अपने आप में ही एक बहुत बड़ा अपराध है। परंतु घरेलू हिंसा क्या है? जब कोई महिला अपने पति के व्यवहार से पीड़ित हो या उसका पति उसे किसी भी कारणवश हानि पहुंचा रहा हो, वह महिला घरेलू हिंसा की शिकार मानी जाती है। ऐसी पीड़ित महिलाओं की सहायता के लिए सरकार ने डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट लागू किया है। यह अधिनियम 17 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ था। यह अधिनियम जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में लागू है। इसमें 5 अध्याय तथा 37 धाराएं हैं। इस अधिनियम के धारा 3 के तहत शारीरिक दुर्व्यवहार अर्थात शारीरिक पीड़ा, अपहानि या जीवन या अंग या स्वास्थ्य को खतरा या लैंगिक दुर्व्यवहार अर्थात महिला की गरिमा का उल्लंघन, अपमान या तिरस्कार करना या अतिक्रमण करना या मौखिक और भावनात्मक दुर्व्यवहार अर्थात अपमान, उपहास, गाली देना या आर्थिक दुर्व्यवहार अर्थात आर्थिक या वित्तीय संसाधनों जिसके वह हकदार है से वंचित करना, मानसिक रूप से परेशान करना, ये सभी घरेलू हिंसा कहलाते हैं। हमें इस अधिनियम की जरूरत क्यों पड़ी? घरेलू हिंसा मानवाधिकार प्राप्ति व सामाजिक विकास की राह में बहुत बड़ी रुकावट है। घरेलू हिंसा व्यापक रूप से हमारे समाज में प्रचलित है, लेकिन लोगों में इसको लेकर जागरूकता नहीं है। सिविल कानून इस समस्या के लिए अपने आप में पर्याप्त नहीं है। सिविल कानून में एक उपाय के तौर पर महिलाओं को संरक्षण देने के लिए और इनको घरेलू हिंसा से बचाने के लिए इस अधिनियम को लाया गया। अनुच्छेद 14, 15 व 21 के साथ यह अधिनियम लागू होता है। आइए जानते हैं घरेलू हिंसा के कारण क्या हैं। सबसे पहला, ईर्ष्या द्वेष। दूसरा, सामाजिक तनाव। तीसरा, मानसिक तनाव। चौथा, शक्ति व नियंत्रण को प्राप्त करने की लालसा। पांचवा, सामाजिक शिक्षण। आइए जानते हैं कि घरेलू हिंसा के क्या क्या प्रकार हैं। पहला, शारीरिक। दूसरा, भावनात्मक और मौखिक। तीसरा, आर्थिक शोषण या चौथा, यौन शोषण। आइए जाने शारीरिक शोषण क्या है। पीड़ित के ऊपर किसी भी प्रकार का शारीरिक बल का प्रयोग करके उसे दर्द अथवा चोट पहुंचाना या असुविधा पहुंचाना, पीड़ित को मारना, नोचना, बाल खींचना, हाथ मोड़ना, गला घोंटना, जलाना, धक्का देना इत्यादि शारीरिक बल के प्रयोग में आते हैं। किसी भी हथियार से हमला करना या धमकी देना या जानबूझकर पीड़ित को अत्यधिक तापमान में रखना तथा पीड़ित की हत्या कर देना। दूसरा प्रकार भावनात्मक और मौखिक हिंसा है। इसमें अपमान करना, चरित्र व आचरण पर आरोप लगाना, बालक को जन्म ना दे पाने के लिए अपमानित करना, दहेज ना देने के लिए अपमानित करना, चीखना व चिल्लाना, यह सब भावनात्मक और मौखिक हिंसा के कुछ प्रकार हैं। अगला प्रकार आर्थिक हिंसा है। इसमें पहला, पीड़ित के जीवन गुजारे व बच्चों के पालन पोषण के लिए पर्याप्त आर्थिक मदद ना करना। दूसरा, पीड़ित को काम करने से रोकना। तीसरा, पीड़ित को बेघर कर देना। चौथा, पीड़ित की कमाई को हड़प लेना। पांचवा, रोजमर्रा के बुनियादी जरूरतों को पूरा ना करना। यह सब आर्थिक हिंसा के नीचे आता है। घरेलू हिंसा का आखिरी प्रकार यौन हिंसा है। इसमें जबरदस्ती यौन संबंध बनाना,
जबरदस्ती अश्लील विवरण दिखाना, बच्चों का यौनिक शोषण, यह सब यौन हिंसा के कुछ प्रकार हैं। आइए जानते हैं कि पीड़ित की परिभाषा क्या है। हर वो महिला जिसके संबंध ऐसे पुरुष के साथ हैं जो घरेलू हिंसा करता हो, वो इस अधिनियम का लाभ उठा सकती है। आइए अब जानते हैं कि घरेलू हिंसा का अपराधी कौन है। अपराधी वो है जो किसी महिला के विरुद्ध हिंसा या अपराध कर सकता है। अगर कोई महिला घरेलू हिंसा से पीड़ित है, वह इस अधिनियम के तहत अपने पति या उसके घर वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकती है। अब जानते हैं कि घरेलू हिंसा के खिलाफ एक पीड़ित को क्या करना चाहिए। नंबर एक, हिंसा के खिलाफ अपनी आवाज उठाएं। नंबर दो, अपने दोस्तों व रिश्तेदारों से इस विषय में बात करें। नंबर तीन, पुलिस या एनजीओ से संपर्क करें। नंबर चार, इस अधिनियम का लाभ उठाएं और अपने आसपास के इलाके के पीओ को सूचित करें और इस दंडनीय अपराध के खिलाफ शिकायत दर्ज करें। नंबर पांच, या आप सीधा मजिस्ट्रेट के पास भी जा सकते हैं। आइए जानते हैं कि सरकार पीड़ित की सहायता कैसे कर सकती है। आपकी शिकायत के तहत सरकार आपको सुरक्षा आदेश दे सकती है। आपकी सुरक्षा के लिए आपको निवास उपलब्ध करा सकती है, आर्थिक सहायता प्रदान कर सकती है, मुआवजा देने का आदेश दे सकती है तथा अंतरिम आदेश भी दे सकती है। आइए देखते हैं कि एनजीओ आपकी सहायता कैसे कर सकती है। नंबर एक, आपकी शिकायत दर्ज कराने में आपकी सहायता कर सकती है। नंबर दो, पीड़ित का चिकित्सा निरीक्षण कर सकती है। नंबर तीन, आपकी सहायता के लिए निवास उपलब्ध करा सकती है। अब जानते हैं कि अपराधी को क्या दंड मिल सकता है। घरेलू हिंसा करने के जुर्म में अपराधी को 1 साल की जेल या 20,000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ सकता है। दहेज उत्पीड़न के चलते 3 साल की सजा भी हो सकती है।